श्री श्वान मस्तुभ्यम भक्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि का बहुत ही सुंदर सा पर्व आ गया है, तो आपने इस सुंदर पर्व पर अपने जीवन की समस्या हेतु एक उपाय जरूर करना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, यह शिव पुराण का बहुत ही खास उपाय है और केवल महाशिवरात्रि पर किया जाता है। कहते हैं कि जो भी अपने जीवन काल में केवल एक बार भी इस महाशिवरात्रि पर इस उपाय को कर लेगा, उसकी शीघ्र ही हर तरह की दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो आपने इस गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय को इस शिवरात्रि पर जरूर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी 7 बेलपत्र की, साथ में आपको 7 अक्षत के दाने ले लेने हैं। इसके साथ आपको लेना है पीला चंदन और आपको एक लोटा जल लेना है। घर से जल भर के लेके जाना है, तांबे का लोटा ले ले तो सबसे उत्तम। केवल इन सामग्रियों से ही आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपने पहुंच जाना है शिवालय। सबसे पहले आपके पास जो ये 7 बेलपत्र हैं, आपने 7 बेलपत्र के ऊपर आपने एक एक बिंदी इस पीले चंदन की लगा देनी है, जिस प्रकार से हम वीडियो में दिखा रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो ये 7 अक्षत के दाने हैं, वो जो आपके बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होगी, वहाँ पर आपको एक एक अक्षत का दाना चिपका देना है। उसके बाद आपके पास जो ये एक लोटा जल है, आपने अपने जीवन की समस्या नाम और गोत्र लेकर कहते जाना है और महादेव पर यह जल धीरे धीरे समर्पित कर देना है। गुरुजी ने इस उपाय को बताते हुए कहा था कि आपको जल बहुत ज़्यादा धीरे धीरे समर्पित करना है। जब आपने जल समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र लेकर जरूर अपने जीवन की समस्या कहते हुए महादेव के किसी भी एक मंत्र का उच्चारण अवश्य कर लेना है। उसके बाद अब आपने बेलपत्र को किस प्रकार से समर्पित करना है, आइए उसका क्रम जानते हैं। सबसे पहले आपने 4 बेलपत्र को महादेव पर समर्पित कर देना है। इसकी जो डंडी होगी अशोक सुंदरी की तरफ रहेगी, जिस प्रकार आपने यह अक्षत का दाना चिपकाया हुआ था और यह पीला चंदन लगाया था, यह महादेव को छूना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो यह 5वीं बेलपत्र है, आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। फिर से डंडी का भाग आपने बाहर की ओर कर देना है, जिस तरफ आपने अक्षत होगा और यह पीला चंदन लगाया होगा, यह अशोक सुंदरी को टच करना चाहिए। उसके बाद आपने 6ठी बेलपत्र लेनी है और आपने कटी भाग पर समर्पित कर देनी है। फिर से जो डंडी का भाग होगा, आपने जलाधारी की तरफ कर देना है और जिस तरफ आपने पीला चंदन और अक्षत लगाया होगा, यह कटी भाग को छूना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास आखिरी बेलपत्र होगी, आपने यह नंदी जी के दोनों जो कान होते हैं उसके बीच में समर्पित कर देने हैं। कहते हैं कि जो भी शिवरात्रि पर इस उपाय को कर लेता है, उसकी कामना महादेव शीघ्र ही शीघ्र पूरी कर देते हैं और उसके जीवन के हर तरह के कष्ट काट देते हैं। हम आपको बताते हैं, इस बार जो शिवरात्रि आ रही है बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि यह त्रयोदशी वाले दिन आ रही है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रहने वाला है। इस दिन बहुत ज़्यादा सुंदर नक्षत्र भी रहने वाला है। जिनको नहीं पता है, हम आपको बता दें, इस दिन श्रावण नक्षत्र रहेगा और बहुत ही विशेषकर योग भी रहने वाले हैं। इस दिन 3 योग रहेंगे, शिव योग रहेगा, सिद्ध योग रहेगा और कुछ समय के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है। गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बताया है कि जब भी नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग रहे, वो आपके हर तरह के बड़े से बड़े कष्टों को काटता है और आपके जीवन की हर कामनाओं की शीघ्र ही पूर्ति करता है। तो आपने इस विशेष दिवस को अपने यहाँ से जाने नहीं देना है। एक उपाय अपने जीवन की समस्या तो अवश्य कर लेना है। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और शीर्ष वन मस्त भी हमकी हाजिर गाना नहीं भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोज बनाने के लिए। जिनको इस वीडियो की जरूरत है, वहाँ तक यह वीडियो जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके और आपकी भी। श्री श्वान मस्तुभ्याम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।